प्रधानमंत्री जी जो कल राज्यसभा में बोल रहे थे वो बोल रहे हैं भैया ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन जीवियों का आंदोलन है, वो हमें आंदोलन जीवी आतंकवादी। अरे भैया मेरे को एक बात बताओ, अगर हमने पहले सब संगठित होने होते जब पहली बार इन्होंने टैक्स के कानून निकाले थे हम तभी इनको रोक लेते, हम लेट हो गए। अभी आपको बता दें बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो जुर्म करती थी चाहे वो गुजरात के किसानों पे करती जो भी कृषि कानून बनाती थी ये भी काली चमड़ी वाले अंग्रेज वैसे ही है, बिना किसानों से पूछे कुछ भी कानून बना देते हैं, बिना किसानों से पूछे उनकी जमीन हड़पने की बात कर रहे हैं। तो आपको जागरूकता के तीन नुक्ते बता देते हैं, ये तीन काले कानून है क्या। पहला कानून है जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, क्योंकि ये बोलते हैं ये किसानों की जंग है भैया, किसानों का आंदोलन है, पंजाब वालों का आंदोलन है, ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरे देश का आंदोलन है। जो भी खाना खाता है हमारा पशु पंछी बैल कुत्ता बुग्गा गाड़ी हर किसी का आंदोलन है। आप सोच लो कि भैया 23 से ज्यादा फसलें जिन्होंने संशोधन किया भंडारण कर सकते हैं जिसके लिए पूंजीपति। आप मेरे को एक बात बताओ, भंडारण तो पहले ही गैर कानूनी है, उसके ऊपर मोहर लगा दी कोई भी भंडारण कर सकता है, ये जब हम फसल बेचने जाएंगे ये तब रिलीज कर दिया करेंगे, हमारा भाव गिर जाएगा, जब फसल होगी नहीं बाजार में कुछ पूंजीपति रोक लेंगे। 45% बच्चे कुपोषित है इस मुल्क में, 45% बच्चे जो ये बोल रहे हैं गुजरात डेवलपमेंट मॉडल डेवलपमेंट, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, हमारे बच्चे खाना तो खा नहीं सकते, तो जो बचे कुछ बच्चे हैं 55% उनका खाना भी छीनने की साजिश है सरकार की। ना हमारे बैल ना हमारे जानवर, जो भी प्रकृति में खाना खाता है उसका एक हक है, ये फंडामेंटल हक है हमारा खाना खाना, ये छीन लेंगे ये। सो जो पहला कानून है सबसे ज्यादा काला, सारे कानून जहरीले हैं। दूसरा कानून सुन लो आप, जिसको ये बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, बड़े पूंजीपति चाहे रिलायंस हो अंबानी हो, रिलायंस ने पंप बनाए एक एक रुपए में 30-30 साल की लीज साइन करवा ली, ना तो पंप के मालिक पंप छोड़ सकते हैं, उनको पूछ के देखो रिलायंस के पंप पे पूछो जाके मालिक से उसका क्या हाल है, 8-8 साल के लिए पंप बंद कर देते हैं, बिना पूछे पंप किसी और को बेच देते हैं। इतना ज्यादा हमें धोखा दिया जा रहा है सरकार ने, सारा देश बेच दिया, रेल बेच दी, टेलीफोन बेच दिए, एयर इंडिया बेच दी, स्टील बेच दी, अब इनकी नजर है किसानों की जमीन पे।